हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। ठीक है, देखिए आपका आगामी एग्जाम जो है वो पटवारी का है, तो पटवारी के लिए जो है स्पेशल करंट अफेयर है। तो इसके अंदर में 20 करंट अफेयर है, इसके बाद इसका पार्ट टू आएगा, उसके अंदर भी 20 करंट अफेयर होंगे। तो आपको 2 दिन के अंदर में कुछ स्पेशल जो करंट अफेयर है जो आपके एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में आ सकते हैं, तो उस टाइप के करंट अफेयर जो है करने जा रहे हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप, जो हमारा भार्गव क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर विद आंसर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर है, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखते हैं इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के किस मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के लिए अंतरराष्ट्रीय ऑब्जर्व नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है सुनील कुजूर, सुब्रत साहू, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत। तो देखिए इसके अंदर सही आंसर है सुब्रत साहू। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू को बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्व नियुक्त किया गया है। वे वहां 30 दिसंबर को संसदीय चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले अपर मुख्य सचिव सुनील कुजूर भी सीईओ रहने वक्त श्रीलंका में चुनाव करा चुके हैं। ठीक, तो इसके अंदर में क्या होगा, सुब्रत साहू। ठीक, दूसरा प्रश्न है जगार 2019 क्या है। तो जगार 2019 जो है आपको बताना है इसमें से क्या है, तो क्या है, प्रदर्शनी मेला है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा रायपुर के छत्तीसगढ़ हॉट परिसर पंडरी में जगार 2019 मेला का आयोजन किया गया था। ठीक, तीसरा प्रश्न है कि पहली बार दक्षिण एशियाई अंतर विश्वविद्यालयीन युवा महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया, ये किस शहर में किया गया है। तो आपको बताना है किस शहर में किया गया, रायपुर में किया गया। यह 12वां एशियाई अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव था। छत्तीसगढ़ के किस रंगकर्मी को इस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार करा दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है दीपक विराट तिवारी। ठीक है, दीपक विराट तिवारी विश्व प्रसिद्ध कलाकार है, ये बिलासपुर में जन्मे थे। ये छत्तीसगढ़ के मशहूर कलाकार हबीब तनवीर के प्रसिद्ध नाटक चरण दास चोर में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। ठीक है, इनकी कर्म भूमि राजनांदगांव थी। इस वर्ष के कुल 42 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, जिनमें 2 छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, दीपक विराट तिवारी और राजेश तिवारी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए लोक गायक और लोक संगीतक को इस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो वो कौन है, तो वो है राकेश तिवारी। कौन है, राकेश तिवारी, तो नाम याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में अब तक कितने पासपोर्ट कार्यालय खुल चुके हैं। तो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने खुल चुके हैं, तो कितने खुल चुके हैं, 4। ठीक है, जांजगीर चांपा में 5वां खुलने वाला है। कहां पर, जांजगीर चांपा में 5वां जो है खुलने वाला है, तो वो भी याद रखिएगा। 7वां प्रश्न है कि मेन पार्ट महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है। तो मेन पार्ट महोत्सव कौन से जिले में किया जाता है, तो सरगुजा में। ठीक है, कहां पर किया जाता है मेन पार्ट महोत्सव का, सरगुजा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मेन पार्ट में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से हर वर्ष मेन पार्ट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष मेन पार्ट महोत्सव 2 दिवसीय आयोजन जो था वो 4 एवं 5 फरवरी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल अगर आपको देखना है तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आंसर के साथ में वहां डिटेल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि हाल ही में हसदेव लोक महोत्सव एवं औद्योगिक मेला का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, ये चांपा में किया गया है। ठीक है, चांपा में किया गया है। चांपा में हसदेव लोक महोत्सव एवं औद्योगिक मेला का आयोजन 30 जनवरी 2019 से 1 फरवरी 2019 तक चला है। 30 जनवरी से 1 फरवरी 2019 तक चला है। स्थानीय भालेराव मैदान में आयोजित महोत्सव में कौशल विकास और रोजगार मेले के साथ ही करियर मार्गदर्शन भी किया गया। ठीक, 9वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस महिला मुख्य प्रहरी को उनके सराहनीय जेल सेवा कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सुधारात्मक सेवा पदक से पुरस्कृत किया गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम है फ्लोरा लकड़ा। क्या नाम है, फ्लोरा लकड़ा। ये केंद्रीय जेल अंबिकापुर की महिला मुख्य प्रहरी रही है। देश का पहला नैसर्गिक कोसा अभयारण्य कहां पर खोला जाएगा, तो यह खोला जाएगा अटल नगर रायपुर। ठीक है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कब से कब तक संचालित हुआ, तो यह भी आपको बताना है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 फरवरी से 8 मार्च तक रहा, 8 फरवरी से 8 मार्च तक रहा। छत्तीसगढ़ में 13 वर्ष से चल रहे, सॉरी 8 फरवरी से 8 मार्च रहा है। इसके बाद है 12वां प्रश्न है कि इस वर्ष राजिम माघी पुन्नी मेला का आयोजन कब से कब तक किया गया।
तो ये कब से कब तक किया गया है, तो 19 फरवरी से 4 मार्च, इसका जो सही आंसर है 19 फरवरी से 4 मार्च। छत्तीसगढ़ में 13 वर्ष से चल रहे राजिम कुंभ मेले का नाम अब राजिम माघी पुन्नी मेला करने की घोषणा की गई है, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल आपको आंसर की में मिल जाएगा। हाल ही में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के तहत छत्तीसगढ़ के किस शहर को पहला ODF+ का दर्जा दिया गया है, तो ODF+ का दर्जा किसको दिया गया है, तो आपको कल भी मैंने बताया था अंबिकापुर को जो है दिया गया है, ठीक है। पूरे देश में 4 जनवरी से 31 जनवरी के बीच जो सभी शहरों में क्या चला स्वच्छता सर्वेक्षण, इसके लिए एक अलग से वीडियो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य शहरों को कचरा और खुले में शौच से मुक्त कराने के प्रयास में व्यापक स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए शहरों को जीने लायक बेहतर स्थान बनाने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है। 14वां प्रश्न है कि 2018-19 में धान खरीदी का लक्ष्य 75 लाख मैट्रिक टन रखा गया है, किंतु वास्तविकता में राज्य में कितनी धान खरीदी हुई है, तो आपको बताना है कितनी धान खरीदी हुई है, तो ये हुई है 80.36 लाख मैट्रिक टन। कितना हुआ है 80.36 लाख मैट्रिक टन, ठीक है। हाल ही में गोवा में आयोजित वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, तो छत्तीसगढ़ का नाम किसने रोशन किया है, तो यह टिकेश्वरी साहू। कौन है? टिकेश्वरी साहू। वर्ल्ड कप थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 1 से 3 फरवरी गोवा में आयोजित हुआ था। इसके बारे में भी डिटेल आपको आंसर की में अच्छे से मिल जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि PDF जो है वो भार्गव क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप से वहां जाकर ज्वाइन कर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा डिटेलिंग जो है आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। 16वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन से दो बैंकों के विलय को रद्द कर दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन से दो बैंकों के विलय को रद्द कर दिया, तो सहकारी केंद्रीय बैंक और एपेक्स बैंक। सहकारी केंद्रीय बैंक और एपेक्स बैंक को क्या कर दिया गया है, विलय को रद्द कर दिया गया है, ठीक है। 17वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण के आकलन के लिए यह मनाया जाता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद में है, हाँ देखिए इसके बारे में अगर आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना है तो वही आंसर की को आप एक बार जरूर देखिएगा, उसका PDF डाउनलोड जरूर करिएगा, वहां पर आपको इसके बारे में जानने के लिए भी मिल जाएगा, ठीक। 18वां प्रश्न है कि प्रदेश में किस जगह पर नेचर ट्रेल बनाया गया है, ठीक है, तो नेचर ट्रेल कहां पर बनाया गया है, ये बनाया है कांगेर घाटी में। कहां पर बनाया है? कांगेर घाटी में, ठीक है, तीरथगढ़ और चित्रकूट को मिलाकर। टाटा संयंत्र विवादित भूमि जिसे हाल ही में नई सरकार द्वारा भूमि मालिकों को वापस करने का फैसला लिया गया है, कहां पर स्थित है, तो ये आप सभी जानते हैं बस्तर, ठीक है, कहां पर है? बस्तर में। इसके बाद है लास्ट प्रश्न, उड़ान योजना के तहत निम्न में से किस किन शहरों को जोड़ा जा रहा है, तो किस किन शहरों को जोड़ा जा रहा है, तो जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, ये सभी इसके अंदर आएगा, ये सभी शहरों को जो है उड़ान योजना के तहत जोड़ा जा रहा है। तो ये 20 प्रश्न है, इनका जो है क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों आपको भार्गव क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, आगामी आपके पटवारी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, बहुत बोलना पड़ता है आप लोगों को लाइक करने के लिए, और जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, जय हिंद जय भारत।